हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुधीर और आज हम पढ़ेंगे इस चैप्टर 7, एंटरटेनमेंट। तो एंटरटेनमेंट में हमें क्या पढ़ना है, आर्ट और कल्चर के बारे में पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर फ्रॉम 1 to 10 दिसंबर इन नागालैंड। इट इज़ नेम्ड आफ्टर द लार्ज फॉरेस्ट बर्ड विच इज डिस्प्लेड इन द होल फोर ऑफ द मोस्ट ऑफ द स्टेट ट्राइब्स। इट आल्सो कॉल्ड द फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स। विच फेस्टिवल आर इज टॉकिंग अबाउट? तो देखिए, ये जो आपका है वो 1 से 10 दिसंबर के बीच में चलता है नागालैंड में, और यहाँ पे ये जो है इसका नाम रखा गया है एक बर्ड के नाम पे। तो इस त्यौहार का क्या नाम है, क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का नाम है दोस्तों हॉर्नबिल फेस्टिवल। क्या नाम है? हॉर्नबिल फेस्टिवल। ये एक चिड़िया के नाम पर रखा गया है, इसको फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स कहते हैं। फिर जलीकट्टू जो है, जलीकट्टू आपका कहाँ पर मनाया जाता है, तमिलनाडु में। फिर है पौरी फेस्टिवल, पौरी फेस्टिवल आपका मनाया जाता है हिमाचल प्रदेश में। और मायोको फेस्टिवल आपका कहाँ मनाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग फेमस फ्रॉम द फोल्क डांस ऑफ द महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का फोल्क डांस कौन सा है? तो ये है दोस्तों आपका तमाशा, ठीक है ना। फिर बिहू डांस, बिहू डांस आपका है असम का। फिर है नौटंकी, नौटंकी आपका है उत्तर प्रदेश का। और मोहिनी अट्टम आपका कहाँ का है, केरला का है, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सितार विटोरियस। तो सितार कौन बजाता है, तो सितार बजाते हैं हमारे पंडित, देखिए पहले यहाँ पे अभी तो ये ऑप्शन देखिए, अमजद अली खान क्या बजाते हैं, सरोद, ठीक है, धीरे धीरे जानते रहिए। फिर है जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन बजाते हैं तबला, ठीक है। उसके बाद उस्ताद बिस्मिल्ला खान, उस्ताद बिस्मिल्ला खान क्या बजाते हैं, शहनाई बजाते हैं, ठीक है ना, बनारस से थे। और उसके बाद है पंडित रविशंकर। तो तब सितार कौन बजाते हैं, पंडित रविशंकर सितार, ठीक है। चलिए, विच आर द फॉलोइंग नॉट द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ इंडिया। इंडिया का हार्वेस्ट फेस्टिवल कौन सा नहीं है, तो ये है दोस्तों आपका विजयादशमी। देखिए ओनम मनाया जाता है आपका कहाँ पे, केरला में। बिहू असम में। मकर संक्रांति आपका कहाँ पे मनाया जाता है, पूरे उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है, ठीक है, नॉर्थ इंडिया में मनाया जाता है, ठीक है। तो ये सब हार्वेस्ट फेस्टिवल यानी कि फसलों के कटने के टाइम पे ये आपके मनाए जाते हैं। लेकिन जो विजयादशमी है ये कब मनाया जाता है, जब रावण को भगवान श्री राम ने मारा था उस दिन मनाया जाता है विजयादशमी। क्वेश्चन नंबर 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डांस फ्रॉम द पंडित बिरजू महाराज एसोसिएटेड। तो पंडित बिरजू महाराज कौन सा डांस करते हैं, तो ये दोस्तों करते हैं क्या, कथक। क्या करते हैं, कथक। कुचिपुड़ी जो डांस है वो कहाँ के, आंध्र प्रदेश का नाम है। और ये जो डांस है एक गांव के नाम पे रखा गया है। गरबा आपका किया जाता है गुजरात में। और भरतनाट्यम आपका कहाँ किया जाता है, तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 6, द क्लासिकल मैनपुरी डांस फीचर्स यूनिक कॉस्ट्यूम। द फीमेल डांसर्स वियर ए लॉन्ग स्कर्ट स्टड द मिरर इन द एम्ब्रॉयड वर्क, व्हाट इज द कॉल। तो देखिए ये मणिपुरी डांस है, इसमें जो आपके यूनिक कॉस्ट्यूम्स होते हैं और साथ ही साथ यहाँ पे लॉन्ग स्कर्ट्स होती है। तो ये जो ड्रेस होती है उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है कुमिन। क्या नाम है, कुमिन। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, हु एमंग द फॉलोइंग द फर्स्ट प्रोफेशनल फीमेल तबला प्लेयर इन द वर्ल्ड। तो ये फीमेल है लेकिन ये तबला बजाती हैं, इनका क्या नाम है, ठीक है दोस्तों। तो इनका नाम है अनुराधा पाल। क्या नाम है इनका, अनुराधा पाल। फिर देखिए सोनल मान सिंह है, सोनल मान सिंह कौन है, भरतनाट्यम का डांस करती हैं और साथ ही साथ उड़ीसी डांस भी करती हैं। फिर है अनुराधा पौडवाल, अनुराधा पौडवाल एक सिंगर हैं, ठीक है। फिर है रुक्मणी देवी अरुणडले, तो रुक्मणी देवी अरुणडले क्या डांस करती हैं, भरतनाट्यम। क्या कहती हैं, भरतनाट्यम। अगला है क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास इज कॉल्ड द वेदा ऑफ मेलोडीज एंड चैंट्स। तो किस वेदा को हम कहते हैं वेदास और मेलोडी एंड चैंट्स, तो ये है आपका सामवेद। क्या है, सामवेद। देखिए चार वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। क्वेश्चन नंबर 9, गुएरानिका इज द लार्ज ऑयल पेंटिंग ऑन द कैनवास एंड इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंटी वार पेंटिंग्स हिस्ट्री, हुज वर्क इज इट। तो गुएरानिका जो पेंटिंग थी वो किसने बनाई थी, तो ये बनाई थी पैब्लो पिकासो ने। किसने बनाई थी, पैब्लो पिकासो ने। अगला है क्वेश्चन नंबर 10, जेमिनी राय वॉज द ऑनर्ड विच इज द स्टेट अवार्ड ऑफ द पद्म भूषण इन 1954। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स डिड ही डिस्टिंग्यूज हिमसेल्फ। ठीक है, तो जेमिनी राय जो थे उन्हें 1984 में पद्म भूषण दिया गया, और वो किस स्टेट से थे, ठीक है ना। तो ये थे दोस्तों क्या, पेंटिंग के फील्ड से थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेंटिंग। विच टाइप ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज गूम्बे। तो गूम्बे जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है ये कौन सा है, तो ये है आपका ड्रम टाइप, ठीक है ना, ये ड्रम के जैसा होता है। राउफ इज द डांस फ्रॉम द कैरिड आउट बाई द वूमेन टू वेलकम द स्प्रिंग सीजन, इट हैज़ इट्स ओरिजिन। तो देखिए यहाँ पे जो आपका राउफ डांस है वो कहाँ पे होता है, तो ये आपका जम्मू कश्मीर में होता है। इस डांस का ओरिजिन पूछा गया है कि ये डांस शुरू कहाँ से हुआ, तो ये शुरू हुआ जम्मू एंड कश्मीर से। क्वेश्चन 13, हु आर द फर्स्ट इंडियन म्यूजिशियन टू रिसीव द भारत रत्न अवार्ड।
भारत की पहले ऐसे म्यूजिशियन कौन थे जिन्हें भारत रत्न अवार्ड मिला? तो इनका नाम था एम एस सुब्बलक्ष्मी। तो एम एस सुब्बलक्ष्मी कहाँ से थी? ये आपकी तमिलनाडु से थी, ठीक है ना। रविशंकर जी क्या बजाते हैं? तो रविशंकर जी बजाते हैं सितार। और उसके बाद है भीमसेन जोशी। तो भीमसेन जोशी जो है हिंदुस्तान क्लासिकल ट्रेडिशन में गाना गाते हैं, तो ये भी है आपके क्या सिंगर। फिर है अल्ला राखा। अल्ला राखा क्या बजाते हैं? तबला बजाते हैं। क्या बजाते हैं? तबला। क्वेश्चन 14, बाउल म्यूजिशियन आर एन ऑर्डर ऑफ द ट्रेवलिंग म्यूजिशियन। दीज म्यूजिशियन प्ले ए वेरी टिपिकल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, वॉट इज कॉल्ड? तो देखिए यहाँ पे बाउल जो म्यूजिशियन है ये एक ट्रेवलिंग म्यूजिशियन है, ठीक है ना। इसको लोग एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाते हैं और हाथों में बजाते रहते हैं। इसमें एक स्ट्रिंग लगी होती है, तो ये क्या है? ये है आपका इकतारा। क्वेश्चन नंबर 15, वीरागेस इज अ काइंड ऑफ फोल्क डांस फ्रॉम द प्रिवेलेंट इन द स्टेट ऑफ कर्नाटक। इट इज द विगोरियस डांस एंड इन्वॉल्व इंटेंस डांस मूवमेंट। ऑन विच सब्जेक्ट इज दिस डांस परफॉर्म बेस्ड? ठीक है, तो ये जो डांस है ये आपका कर्नाटका में किया जाता है, ठीक है। तो ये इसका नाम है वीरागीस, ठीक है। तो ये फोल्क डांस है कर्नाटका का। तो इसमें ये किस चीज़ को शो करते हैं, किस चीज़ को दिखाया जाता है? तो ये दिखाया जाता है हिंदू मैथोलॉजी को। किसको दिखाया जाता है? हिंदू मैथोलॉजी को। क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ पे आपका अचीवर सेक्शन का क्वेश्चन है। आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सा क्लासिकल डांस है जो आपका उत्तर प्रदेश का है। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, और ये है कथक, ठीक है ना। कथक जो है वो कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन ये कह रहा है द प्रोमिनेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज इन नौटंकी फोल्क थिएटर इज ये। तो नौटंकी फोल्क थिएटर आपका क्या बजाया जाता है वहाँ पे? तो बजाया जाता है नगारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नगारा। अगला है क्वेश्चन नंबर 18, फॉर्म ऑफ पेंटिंग एंड स्टेट। तो यहाँ पे देखिए मधुबनी पेंटिंग जो है वो बिहार में की जाती है, बिल्कुल ठीक है। वर्ली पेंटिंग्स आपकी कहाँ पे की जाती है? महाराष्ट्र में, ये भी बिल्कुल ठीक है। फिर है पत्ता चित्र। तो पत्ता चित्र जो आपका है केरला में, ये केरला में नहीं किया जाता, ये कहाँ पे किया जाता है? उड़ीसा में। तो उड़ीसा की पेंटिंग है ये, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। फिर है कलमकारी। कलमकारी जो पेंटिंग है वो आपकी आंध्र प्रदेश है, बिल्कुल ठीक है। अगला है 19, यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। छाउ इज अ फॉर्म ऑफ डांस विद अ मार्शियल एंड फोक ट्रेडिशन। तो बिल्कुल ठीक है, छाउ जो डांस है वो आपका मार्शियल और फोक ट्रेडिशन है, बिल्कुल ठीक है। बम्बू डांस इज अ ट्रेडिशनल डांस ऑफ द कर्नाटका, बिल्कुल गलत है। कर्नाटका में बम्बू डांस नहीं होता है, ये आपका कहाँ पे होता है? मिजोरम में, ठीक है। कहाँ पे होता है? मिजोरम में, ठीक है। फिर है पनिहारी द राजस्थानी डांस, बिल्कुल ठीक है। पनिहारी जो डांस है वो राजस्थान का है। कुचिपुड़ी द नेम आफ्टर द विलेज ऑफ आंध्र प्रदेश। तो कुचिपुड़ी जो डांस है वो आपका आंध्र प्रदेश का है, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, हाउ मेनी स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट मेंशन द गिवन। क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसमें आपके स्ट्रिंग लगे होते हैं, किसमें तार लगे होते हैं। तो देखिए तार किसमें किसमें लगा होता है? गिटार में, ठीक है, वायलिन में, बैंजो में, ठीक है, फिर वायोला में, और फिर मंडोलिन में। तो कितने हो गए? पांच। तो इसका आंसर हो जाएगा पांच, ठीक है। दोस्त यहाँ पे वीडियो खत्म होता है, और ये मेरा गूगल पे नंबर 7007989164। आप इस पर अगर कुछ पे करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।